सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने किसी भी ब्लॉक नंबर को अनब्लॉक कर सकते हैं, वो भी बड़ी ही आसानी से। अगर आपने पास्ट में किसी को ब्लॉक करके रख दिया है और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे उस नंबर पर कॉल करना है, तो आप उसको कैसे अनब्लॉक कर सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए रहेंगे और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते रहेंगे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये बाजू में बेल आइकन जो दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के मिल सके। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि आप अपने फ़ोन से किसी को भी ब्लॉक या अनब्लॉक किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए लेके चलता हूँ आप सभी को अपने मोबाइल स्क्रीन पर। आप बाजू में स्क्रीन देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी का डायल पैड आ चुका है। डायल पैड आने के बाद यहाँ पर आप सभी को कॉन्टैक्ट नंबर आ चुके हैं पूरे। और अभी आपको कैसे यहाँ पर लग रहा है कि मुझे ये नंबर ब्लॉक करना है, तो यहाँ पर आप सभी को उसका नाम सर्च कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर उसके नाम के ऊपर आ जाएंगे, नाम के ऊपर आने के बाद इसकी प्रोफाइल के ऊपर आप सभी को क्लिक कर लेना है। इनकी प्रोफाइल के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी प्रोफाइल आप सभी को दिख सकती है। और अगर आपको लग रहा है कि ये नंबर से मुझे बहुत ज़्यादातर कॉल्स आती रहती है और मैं परेशान हो जाता हूँ इस कॉल से, तो आप इसे यहाँ से सिंपली ब्लॉक भी कर सकते हैं। ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर आपको जो तीन डॉट दिख रहे हैं इसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे मल्टीपल्स ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको सेकेंड में एक ऑप्शन दिखता है ब्लॉक नंबर्स का, इसके ऊपर आप सभी को जस्ट क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा ब्लॉक नंबर, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है यू विल नो लॉन्गर रिसीव कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम दिस नंबर। आपको फ्यूचर में इस नंबर से कोई भी टेक्स्ट या कॉल मैसेजेस वगैरह कुछ भी नहीं आएंगे। तो आप क्या इसे परमानेंटली ब्लॉक करना चाहते हैं? अगर आपका डिसीजन यस है तो यहाँ पर आपको ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन दिख जाएगा आपको कि ये नंबर आपने ब्लॉक कर चुका है, और फ्यूचर में जब भी ये बंदा आपको कॉल लगाए इनकी कॉल आपके पास कभी भी नहीं आएगी। तो ये हो गया कॉल ब्लॉक करने का। आप इस तरह से किसी को भी कॉल के ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको ये फ्यूचर में लगता है कि मुझे इस बंदे से वापस काम है, मुझे इस बंदे को कॉल करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप इसे सिंपली अनब्लॉक भी कर सकते हैं। अनब्लॉक करने के लिए सिंपली आप सभी को दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप चाहे तो उनके नाम को यहाँ से सर्च करके यहाँ से अनब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। उनके नाम के ऊपर अगर आप आ गए हैं तो उनके प्रोफाइल के ऊपर आप सभी को वापस क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद वापस आपको वही तीन डॉट के ऊपर जाना है। तीन डॉट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर सिंपली अनब्लॉक के ऊपर क्लिक कर देना है। एक ऑप्शन ये हो गया, और दूसरे ऑप्शन आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आ जाना है, जो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर आने के बाद आप सभी को यहाँ पर जो तीन डॉट का ऑप्शन दिख जा रहा है इसके ऊपर आप सभी को जस्ट क्लिक कर लेना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पे देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे मल्टीपल्स ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सर्च करना है ब्लॉक नंबर्स का, इसके ऊपर आप सभी को जस्ट क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने अभी तक कितने नंबर्स को ब्लॉक किया है, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपके मोबाइल से कितने नंबर को ब्लॉक किया गया है। तो जैसे कि अभी आपको पहला नंबर को अनब्लॉक करने हैं, तो इस सिंपली यहाँ पर आप सभी को जो कट का एरो दिख रहा है इसके ऊपर आपको स्लिप क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको सीरियसली इसे अनब्लॉक करना है, तो मुझे ये अनब्लॉक करना है, तो इसे अनब्लॉक के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी को बैक आ जाना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारी अननोन नंबर से कॉल्स आती है, मैं अननोन नंबर से कॉल रिसीव नहीं करना चाहता हूँ, तो उसका भी एक सेटिंग है, मैं आप सभी को बता देता हूँ। इसी के अंदर आपको वो सेटिंग मिल रही है, इसके अंदर आप सभी को वापस क्लिक कर लेना है ब्लॉक नंबर्स के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पर आपको एक सेटिंग मिल रही है जिसके ऊपर लिखा है अननोन ब्लॉक कॉल फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड कॉलर्स, मतलब ये आपके पास जो नंबर सेव नहीं है उससे आपको अभी कभी भी कॉल आएगी तो ऑटोमेटिक वो कॉल ब्लॉक हो जाएगी, आपके पास वो रिसीव नहीं होगी। तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो इसके बाद ये सेटिंग आपकी ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो चुकी है। इसके बाद अगर आपके पास कोई भी नंबर सेव नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति आपको कभी भी कॉल नहीं कर पाएगा। तो मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूँगा इस सेटिंग को आप एक्टिवेट करके मत रखिए, क्योंकि इन इमरजेंसी में कोई भी अगर आपको इमरजेंसी में कॉल करेगा तो आपको कोई भी कॉल रिसीव नहीं होगी। इससे अच्छा इस सेटिंग को आप डिक्लाइन ही करके रखिए, बंद ही करके रखिएगा। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ये समझ गए रहेंगे बड़ी ही आसानी से। और अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए रहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो जो हमारे चैनल पर आएगी सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और उस नोटिफिकेशन से आप उस वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए अलविदा।